इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह आप आपके बाइक का एयर फिल्टर चेंज कर सकते हैं और पहले वाला यूज़ होने वाला जो एयर फिल्टर और नया एयर फिल्टर के बीच में अंतर या डिफरेंस क्या होता है और आप किस तरीके से एयर फिल्टर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहना, बिना स्किप किए एंड तक देखना, जैसे कि आपको डिटेल में आइडिया हो जाए कि किस तरह क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये है मिंडा का या कि यूनो मिंडा का एयर फिल्टर, जो कि होगा यूनिकॉर्न 160। जी हाँ, होंडा यूनिकॉर्न 160 के लिए होगा ये जो एयर फिल्टर है। ये तो एयर फिल्टर की जो पीछे का जो डिटेल्स है आप देख सकते हैं, चाहे तो पॉज करके भी देख सकते हैं ये वाला डिटेल्स। तो ये वाला डिटेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपको पता चलेगा कि मॉडल नंबर वगैरह क्या है, पार्ट का नंबर वगैरह क्या है। तो इसके रीज़न में मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर आप चाहे तो इस तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए होंडा जो होता है, होंडा भी अपना एयर फिल्टर किसी और कंपनी से सोर्स करता है जो कि है यूनो मिंडा। ठीक है ना, तो आप चाहे तो यूनो मिंडा से ही डायरेक्ट ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा वो वाला पार्ट थोड़ा सा मतलब कम प्राइस में मिल जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका बेनिफिट होता है। तो होंडा से आप नहीं लेके आप डायरेक्ट उसी कंपनी से ले सकते हैं जिस कंपनी से होंडा लेता है या सोर्स करता है। तो ठीक है, तो वो कंपनी है यूनो मिंडा। तो यूनो मिंडा से आप किसी भी बाइक की जो एयर फिल्टर है वो ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पेपर फिल्टर हमने ले लिया, तो यूनिकॉर्न 160 में पेपर फिल्टर लगता है। तो इसीलिए पेपर फिल्टर में बहुत दिक्कत होता है कि ये यूज़ एंड थ्रो है, आप अगर ये ख़राब हो जाए ना, आप इसे मतलब क्लीन नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, सिर्फ एयर ब्लोअर जो है, एयर ब्लोअर वही मार के क्लीन कर सकते हैं, इसके अलावा मतलब उसके अलावा और भी कोई तरीका नहीं है इसे क्लीन करने का। ठीक है ना, तो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम बाइक में लगाएंगे और क्या करेंगे बाकी सब। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इस तरीके का वीडियो की ज़रूरत होता है। ठीक है, चैनल में अगर पहली बार है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास रहते हुए बेल बटन को हिट कर देना, जैसे कि हमारा इसी तरीके का जो भी अगर वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बाकी मैं आपको डायरेक्ट बाइक में लेकर चलता हूँ। तो ये देखिए, सीट के नीचे ही मैक्सिमम जो भी बाइक आता है उसका सीट के नीचे ही इसी के पोर्शन पे आपको एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो स्क्रू ड्राइवर से आप इस तरीके से खोल लीजिए पहले, बाहर का जो कवर है, कवर का खोलने के बाद आपका जो एयर फिल्टर निकल जाएगा। यहाँ पे बेसिकली एयर पेपर फिल्टर यूज़ किया गया है, लेकिन बजाज के बाइक में वो स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ किया जाता है, जो कि आप चाहे तो क्लीन कर सकते हो, ज़्यादा बेहतर होता है मतलब मेंटेनेंस के मामले में। ठीक है, तो बात ऐसा है, तो ये रहा, अब ऊपर का कैप हटाने के बाद हमारा एयर फिल्टर ओपन हो गया है। तो पुराना वाला एयर फिल्टर आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या कंडीशन है। तो ये कंडीशन बहुत ही मतलब ख़राब हो चुका है। आप देख सकते हैं कि नॉर्मली कंपनी की तरफ से बोला जाता है कि 10,000 किलोमीटर रेंज है एयर फिल्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी यूनो मिंडा लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे देखिए होंडा। तो इसीलिए मैंने भी ये आपको बोला था कि होंडा भी यूनो मिंडा से ही पार्ट सोर्स करता है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट सोर्स कर सकते हैं, बात यही है। तो हाँ, हम कहा थे कि 10,000 किलोमीटर कंपनी बोलता है, लेकिन हमने 12,000 से ज़्यादा ही मतलब रन कर दिया था, तो बहुत ही गंदा हो गया था। तो वो भी और भी मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि एयर फिल्टर इस तरीके का जो भी एयर फिल्टर है उसको कभी भी आप मतलब पेट्रोल वगैरह की किसी और चीज़ से क्लीन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, ये मतलब यूज़ एंड थ्रो है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसीलिए आप अगर चाहे तो थोड़ा सा क्लीन करना, तो आप एयर ब्लोअर मार सकते हैं, जो कॉम्प्रेस जो एयर है होता है उसी तरीके का एयर ब्लोअर मार के, तो जितना भी क्लीन हो सकता है उतना कर सकते हैं, नहीं तो और भी ज़्यादा डैमेज हो जाएगा अगर पेट्रोल वगैरह आप इसे मारते हैं। तो ऐसा ही है, लेकिन हाँ वो वाला स्पॉन्ज फिल्टर ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिन तक लॉन्गजिविटी देता है, क्योंकि वो आप पेट्रोल में भिगो के क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो दिक्कत आ रहा है इसे फिटिंग करने में, मतलब लगभग 1 मिलीमीटर का फिटिंग इशू आ रहा है मुझे लगता है, थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो गैप तो ठीक ठाक ही है, हाँ ये यूनिकॉर्न 160 के लिए ही है। तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर की थोड़ा सा एडजस्ट में प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा सा प्रेशर देके मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मतलब प्रेस करके बैठाना होगा। 1 मिलीमीटर काफ़ी कम है, अगर ज़्यादा होगा तो ये फिट नहीं बैठेगा, लेकिन जैसा कि मैंने देख रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसलिए हम अगर इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, मतलब वहाँ पे जो है वहाँ पे थोड़ा सा अगर प्रेस करते हैं तो वहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं, हाँ यहाँ पे पूरा
अंदर फिट होके पूरा बैठ गया। ठीक है, तो कुछ इसी तरह है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेने का है कि फिटिंग नहीं हो गया होगा। हाँ, थोड़ा सा 1 मिलीमीटर का भी मतलब दिक्कत हो रहा था, लेकिन हो गया। ठीक है, 1 मिलीमीटर आप समझ सकते काफ़ी कम है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रेशर, मतलब उतना भी नहीं होगा, थोड़ा सा कम ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर करके, कंपनी का माल पूरा इजी आ रहा था और ये जो है थोड़ा सा प्रेशर करके आ गया। ठीक है, थोड़ा सा अगर पुश किया तो आ गया। तो इसके बाद अब देखिए कि इंजन का आवाज़ वगैरह किस तरीके से आता है और एयर फ्लो वगैरह इसमें ज़्यादा आएगा ऐसा बोला गया है। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से एयर का मतलब एयर फिल्टर लगाने के बाद आवाज़ आता है। ठीक है, तो चलिए। एयर फिल्टर लगाने के बाद और हटाने के बाद अगर मैं इसको पूरा हटा देता हूँ तो आवाज़ इस तरीके से आता है, और अगर लगाता हूँ थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा भारीपन आ जाता है आवाज़ में। ठीक है, तो पुराना वाला देख सकते हो, पुराना वाला तो बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो ये वाला जो पुराना वाला का कलर पूरा ग्रीन नहीं था, तो पुराना वाला का जो कलर था वो कलर था थोड़ा सा सफ़ेद कलर टाइप। ठीक है, तो वो यूज़ होते होते इस तरह हो गया। तो यहाँ पे जो मिंडा से हमने लिया है ये जो है पूरा ग्रीन कलर है, नया मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन है। तो आने वाला टाइम पे यूज़ करते हुए हमें देखेंगे कि किस तरह क्या होगा। तो हाँ, अभी हम लास्ट बात आते हैं कि इसको हम कैसे लॉन्गजेविटी मतलब इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक जो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज का एक टुकड़ा लीजिए, स्पॉन्ज का एक टुकड़ा लेके इसके ऊपर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट जो एयर होगा ये स्पॉन्ज से होते हुए एयर फिल्टर तक जाएगा। इससे क्या होगा, जितना भी बाहर का डस्ट पार्टिकल है वो इस स्पॉन्ज में मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका जो ओरिजिनल एयर फिल्टर है उसमें कम जाएगा। आप चाहे तो इस स्पॉन्ज को पेट्रोल या कुछ भी वगैरह से क्लीन कर सकते, जैसे कि या बजाज पल्सर वगैरह में जिस तरीके का एयर फिल्टर होता है ना। तो उसी कंडीशन को मैंने, उसी आइडिया को यहाँ पे काम में लगाया कि उस तरीके का जो एयर फिल्टर है, उस तरीके का जो स्पॉन्ज फिल्टर होता है वहाँ पे, तो वही फिल्टर की तरह अगर हम यहाँ पे एक शीट लगा देते हैं तो ये बेनिफिट होगा। तो थोड़ा सा लगाने के टाइम पे हमें थोड़ा सा मुश्किलें आ रहा था फिटिंग में, तो इसीलिए हमने कवर के ऊपर ही थोड़ा सा लगा दिया। तो डायरेक्ट कवर के ऊपर से जब इंटेक होगा तो उसके अंदर से ही जाएगा, मतलब स्पॉन्ज के अंदर से ही जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरह है। तो इससे आपका जो एयर फिल्टर है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिन तक जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरह है। तो हम फटाफट इसको लगाने देने के बाद, मतलब सब कुछ लगाने के बाद फिर से एक बार स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुना देते हैं कि किस तरह आवाज़ आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको पूरा डिटेल में आइडिया हो जाए। तो देखिए, हाँ, तो कुछ इसी तरह का हमारा एयर फिल्टर करिए। अगर आपको इसी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट करके बताना, हम कोशिश करेंगे आपका आंसर देने के लिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे कि हमारा और भी वीडियो आपके पास पहुँच जाए। अगर हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए मेहनत लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहना हमारे साथ, बने रहना बाबा हाउस ऑफ फैक्ट्री के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।